हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना सिंह। मेरे डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू चाट। आलू चाट बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं 5 बड़े साइज का आलू ली थी और उसको मैं ऑलरेडी पहले से ही मैं इसको बॉयल कर ली हूँ। बॉयल करके मैं इसको चल रही हूँ बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह सारे आलू को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं सारे आलूओं को कट कर ली। अभी इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलते हैं हम पैन की तरफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं पैन को रख दी हूँ और पैन मेरा गर्म हो गया है और इसमें मैं ऑयल को ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी और थोड़ा मेरा ऑयल गरम हो जाए। तो अभी गरम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा ऑयल गरम हो चुका है, मैं इसमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी में मैं थोड़ा सा ब्लैक साल्ट डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट को भी डालिएगा। मैं इसमें ऐड कर दी हूँ और इसको मैं अच्छे से इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी में मैं लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर दे रही हूँ और इसको हम अच्छे से चला दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, मेरा फ्राई हो गया है, मैं इसको सर्विंग ट्रे में निकाल रही हूँ। तो इसको हम निकाल रहे हैं। अब हो गया है मेरा। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ और इसको मैं ट्रे में निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरा जो आलू है अच्छे से कुरकुरा फ्राई हो गया है और मैं चाट बनाने की तरफ चलती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं चाट बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट ली हूँ। तो एक मैं टमाटर है जिसको चॉप कर ली हूँ और ये सेव है जिसको मैं इसमें ऐड करूँगी। ये प्याज है और चाट मसाला है फ्रेंड्स। धनिया की पत्ती है और हरी चटनी है धनिया वाली। और फ्रेंड्स, ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है और दही है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो ये दही है, मैं इसमें ऐड करूंगी। और फ्रेंड्स, भुना हुआ जीरा मैं ली हूँ और ब्लैक साल्ट इसमें ऐड करूंगी। तो इसमें मैं थोड़ा ब्लैक साल्ट डाली हूँ और बाद में थोड़ा सा हल्का सा डालूंगी। टेस्ट अकॉर्डिंग आप भी डालिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहले इसमें मैं प्याज को ऐड कर रही हूँ। तो उस पर से मैं थोड़ा सा प्याज छिड़क दूंगी। और फ्रेंड्स, इस पर से मैं टमाटर को डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं ब्लैक साल्ट थोड़ा सा ऊपर से छिड़काव करूंगी। मैं पहले भी थोड़ा डाली थी
तो इस पे से थोड़ा सा ब्लैक साल्ट मैं डाल रही हूँ, काला नमक। फिर फ्रेंड्स इसी से मैं दही डालूंगी। तो मैं दही जो ली हूँ बहुत मीठी दही है, तो इसको इस पे हम ऐड करेंगे। तो इस पे मैं दही को अच्छे से लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं इस पे दही लगा दी हूँ। फिर फ्रेंड्स इस पे मैं मीठी चटनी को ऐड करूँगी। तो इस पे थोड़ा हम मीठी चटनी डाल दे रहे हैं। फिर फ्रेंड्स मैं तीखी चटनी को ऐड करूंगी। ये धनिया की चटनी है तीखी वाली, तो इस पे मैं तीखी चटनी को ऐड करती हूँ। फिर फ्रेंड्स मैं इस पे हाफ टेबल स्पून भुना हुआ जीरा ऐड करती हूँ। फिर इसमें मैं सेव डालूंगी, ऊपर से महीन वाला सेव ली हूँ, जो आप देख सकते हो। तो इसमें मैं सेव को ऐड करती हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून। तो इस पे मैं ये छोटा वाला स्पून है, तो इसको मैं इस पे ऐड कर रही हूँ। फिर फ्रेंड्स मैं इस पे हरी धनिया से इसको गार्निश करते हैं। और मेरा जो आलू चाट है ना वो तैयार हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो मेरा आलू चाट बनके रेडी हो गया, तो आप देख सकते हो। बताइए कि मेरा आलू चाट कैसा लगा आपको। तो फ्रेंड्स अगर मेरा आलू चाट अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा आलू का जो चाट है वो कैसा लगा। तो एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।